Hi friends, how are you? I hope you viewers doing well. Friends, मैं कोई पांच से छह चार से पांच दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी. उसकी वजह ये स्नो है, इस्तांबुल का ये मौसम है. फ्रेंड्स, मैं अपने घर की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ. इस वक्त भी तूफानी बर्फबारी हो रही है, आप देख लो. बहुत ही केयरफुली मुझे चलना पड़ेगा. हालांकि ये बिल्डिंग्स भी नज़र नहीं आ रही हैं. ये सामने बिल्डिंग्स मतलब ये मेरे 10 कदम पे हैं, ये भी मुझे नज़र नहीं आ रही. तो आज मैं फाइनली नीचे उतरा हूँ. मैंने बोला इतना वेट नहीं करवा सकते हम आपको, तो मैं आपको अपडेटेबल रखूँ क्या सूरत हाल चल रही है. मेरे दोस्त पाकिस्तान से आ जा रहे थे, उनकी फ्लाइट्स भी क्लोज कर दी गई है. इस्तांबुल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है आज की तारीख में. अब देखिए क्या सूरत हाल है, वो कैसे आ पाते नहीं आ पाते, अल्लाह रहम करे. तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारे सीन्स हैं इधर. तो मैं मतलब आपको अपडेटेबल रखूँ, मेरी हालत अभी भी काफ़ी ख़राब है. खैर, अभी थोड़ा सा ग्रोसरी लेना है तो जाते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या सीन्स हैं. सो व्यूअर्स, आप लोगों ने टाइम लैप्स चेक किए होंगे, यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है. बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नो है. ओ व्यूअर्स, सिर्फ मैं आपको अपडेट करने के लिए नीचे उतरा हूँ और कुछ नहीं, छोड़ा था, थोड़ा सामान भी लेना था. तो मैं चलो सामान भी ले लेंगे. वैसे मैं एग्री नहीं हो रहा था कि मैं नीचे जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है. और चलो व्लॉग भी बना लेंगे छोटा सा और आप लोगों को अपडेट भी कर देंगे. ये भाई वगैरह सब चल रहे हैं हमारे साथ, ग्रोसरी वगैरह लेनी है. मेरा करीब से ग्रोसरी ले लो. माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है, मगर अब ये बर्फ़ अच्छी नहीं लग रही हम लोगों को. जो एक दो दिन लगी, मगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड से हुई है. ये आप स्ट्रेट्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा है हम लोगों को. जो आपका ध्यान हटा दुर्घटना घटा, वही वाला सीन है इधर. सो यू गाइस वेरी केयरफुली. हाँ हैं, हाँ इधर सीढ़ियाँ है ना. अल्लाह अकबर, ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं भाई? इसकी गाड़ी कैसे चलेगी यार, इतनी ज़्यादा बर्फ में कहीं खड़ी हो जाएगी फिर. ओह माय, ओह गुडनेस, ओह खतरनाक. अल्लाह रहम करे वापस बीमार ना हो जाओ. बेर मिनट, ये नहीं रुकेगा. रुका फ्रेंड्स, जिसकी आप गाड़ी देखिए फुली कवर्ड है स्नो से, कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें. तो आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा. ये से सीन है. मैं नीचे उतरे, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट करें. आप बताइए कमेंट्स करके कि आप ऐसे मौसम में इस्तांबुल या वॉट एवर कहीं भी जाना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा. पूरा आप देखिए, हम भी बर्फ़ बर्फ़ हो गए. हम अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले हैं, ये एग्जिट है और ये आ गया सुपरमार्केट. यहाँ से शॉपिंग करेंगे, देन घर चले जाएंगे. आइए शॉपिंग करते हैं. यहाँ से बस थोड़ी सी ग्रोसरी बाय करेंगे, ग्रोसरी देन बैक टू होम, वहाँ जाके बात करते हैं. हम लोगों ने ग्रोसरी ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और स्नो रुकने का नाम नहीं ले रही.
इस गाड़ी की हालत चेक करिए, इस गाड़ी की हालत चेक करिए। पूरा कवर्ड हो गया स्नो से आदमी। आप ये देख सकते हैं कि मैं पाँव ना डालूं कितना अंदर घुस रहा है, कितनी फुट बर्फ इधर गिर चुकी है। और ये विद इन आवर्स में ही काम हुआ है, थी बर्फ बट इतनी नहीं थी, 4-5 घंटे तक स्टार्ट हुई है तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। तो हम अंडर पास से निकले जाएंगे, पार्किंग से डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ लेंगे, घर पे ही सारा सामान ड्रॉप करते हैं। फ्रेंड्स तो ये बताइए, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ है कभी या आप ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और ये हमारा पार्किंग एरिया है और यहाँ तक बर्फ़ आ गई है। देख सकते हैं पीछे से दिखाओ, ये बर्फ़ का सीन ऐसा चल रहा है यहाँ पर। लिफ्ट में बैठे लगे हैं घर जाने के लिए और ये हमारी लिफ्ट खुल गई है। चलो ये ट्रॉली पहले से पड़ी हमारी हेल्प के लिए, बट वी डोंट नीड इट। मैंने अपने भाई का फ़ोन लिया क्योंकि मेरा LCD चेंज था ना, मैं ना बर्फ़ से पानी ना चले जाए अंदर, इसका वाटरप्रूफ है, घर चलेंगे। फ्रेंड्स तो घर पहुंच गए, ग्रोसरी को ड्रॉप करेंगे फिर वापस नीचे जाएंगे कुछ और सामान लेने के लिए, नीचे मिलते हैं। सो व्यूअर्स, हमने ग्रोसरी को घर पे ड्रॉप कर दिया है और नीचे आए कुछ शॉर्ट्स लेने के लिए। ये चेक करिए आप लोग, वाओ व्हाट अ वेदर, क्रेजी वेदर। भवंडर फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि भवंडर ला दिया, भवंडर पब्लिक बोलती है कि गाइस ना करिए तो अब हम फ्रेंड्स करें कि वो भी ना करें। ये बताइए वो थोड़ा सामान लेना बाकी, इधर से लेंगे शॉर्ट्स लेंगे आप लोग, टाइम लेट्स एंजॉय करिए। इतनी बर्फ़ यहाँ पर जमा हो गई कि मैं जिस स्टोर में ख़राब हूँ से इसको रास्ता क्लियर करने के लिए भी कितनी मेहनत लग रही है। इसे 5-4 साल बाद ये सूरत हाल दिखने में नज़र आई है इस्तांबुल में। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, पूरा बर्फ हो गया मैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।